पाकिस्तान डेजर्ट जिब्रेली के मिड पॉइंट है कला जामगढ़ पर मैं मौजूद हूँ। इस वक्त जो दिफाई चैंपियन साहबजादा सुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस ट्रैक का विज़िट किया, हम उनसे जानते हैं कि वो इस ट्रैक को किस तरह देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज ये जामगढ़ का जो हमारा डे वन का ट्रैक है इसका हमारा पहला विज़िट है और बड़े हम मुतमइन हैं, बहुत ही अच्छी इस दफ़ा मेहनत हुई है, ट्रैक को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। लेकिन देखें, चुलिस्तान का जो सहरा है पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ताला ने ये बड़ी नेमत अता फरमाई है, दुनिया में इतने खूबसूरत और इतने शानदार टेरेन्स शायद ही कहीं हों जिस तरह के ये चुलिस्तान का टेरेन है, और बहुत ही हाई स्पीड टेरेन है। स्पेशली जो ये जामगढ़ की तरफ का ट्रैक है, बहावल नगर की तरफ का, मेरे ख्याल में गाड़ियाँ बिल्कुल मीटर डाउन यहाँ पर होंगी रेस डे पर। तो मैं यहाँ की बहावल नगर की, बहावलपुर की जो डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं सबको शुक्रगुजार हूँ कि, और TDCP का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से ये ट्रैक को मुकम्मल किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रेस भी इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगी और जो दूर दूर से पूरे मुल्क से लोग इस रेस को देखने के लिए आते हैं वो इंशाल्लाह अच्छे खेल से, अच्छे मुकाबले से महसूस होंगे। सुल्तान साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने पहले भी इस चुलिस्तान डेजर्ट जिब्रेली को विन किया है, तो इस दफ़ा आप क्या तैयारी है, कितना पुरजोश हैं? हर नया दिन नई रेस, नया मुकाबला, नया चैलेंज, तो तैयारी अपनी तरफ से तो भरपूर है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने एजाज़ का दिफा करें, अच्छी गाड़ी चलाएं, और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ के लोग, रोही के रियासत के लोग जिस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से पूरे ट्रैक के ऊपर हमें दाद दे रहे होते हैं, हम इनको मायूस ना करें और इनको अच्छे खेल से महसूस करें। जी, मेरे साथ जो चैंपियन है, दिफाई चैंपियन साहबजादा सुल्तान, वो मौजूद थे। उन्होंने इस ट्रैक के हवाले से बताया कि शायकीन की जो बड़ी तादाद इस मिड पॉइंट पर उनको दाद भी देते हैं और धूल उड़ाती जो गाड़ियाँ हैं उसको लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी बनती हैं और शायकीन बड़ी तादाद में इस इवेंट को इंजॉय करते हैं। जी